असलम डिया यूट्यूब फैमिली वेलकम टू नदर व्लाग ऑन कमल्स वर्ल्ड कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक uh, होंगे इन uh, सेफ होंगे अल्लाह पाक सबको अपने हिफोम मान में रखे और गाइज़ uh, आज का ब्लॉग uh, है हमारा uh, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से कि आपको हम दिखाएँगे रॉक ड्यूरिंग uh, लॉकडाउन तो मैंने uh, सोचा कि हम चेक कर लेते हैं कि अगर आलमरॉक की कोई शॉप खुली है तो वहाँ से स्काफ़ वग़ैरह देख लें और uh, मुझे स्काफ चाहिए थे अपने कुछ आउटफिट्स के साथ तो आई डोंट थिंक ओपन होगा कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है लेकिन ट्राई uh, करने में क्या हर्ज है क्योंकि यू नेवर नो तो अभी दिस इज़ आलमरक और फूड शॉप्स खुली हैं मोबाइल शॉप्स खुली हैं लेकिन कपड़ों की शॉप्स जो हैं वो खुली नहीं थी आम, ये देखें सारी एक ये जो जु ने है ये खुली थी आई डोंट नो वाई मुझे समझ नहीं आई इसको देख के मुझे थोड़ा सा हुआ था कि मे तो भी कोई शॉप मिल जाए मुझे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो no, कोई मिली नहीं मेरी ऐसी लक नहीं थी Uh, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रोसरी स्टोर्स वग़ैरह इस तरह के कुछ खुले हुए थे जो कि असेंशल चीज़ें हैं और uh, जो ज़रूरी नहीं हैं वो बंद हैं सारे तो ये देखें रॉक है ये रॉक रोड बर्मिगम और बिल्कुल ही डेड क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस सिचुएशन में uh, शॉप्स वगैरह बंद हैं बिल्कुल ही जी तो गायज़ मुझे तो मेरे स्कार्फ वगैरह कुछ नहीं मिला क्योंकि आपने देखा कि शॉप्स सारी ही बंद थी तो हमने काहवा बनाना था शान को काह पीना था और उसके लिए मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें तो ये हमारी एक लोकल ग्रोसरी शॉप है तो यहाँ पे हम रुक गए हैं मैंने सोचा कि मैं चीज़ें यहीं से ले लूँ क्योंकि घर जाके जो ये चीज़ें हैं मुझे मेरे पास नहीं हैं इसके लिए मुझे चाहिए था मिंट और ये मैं लकी थी कि लास्ट वो ही रह गए थे ये मैं तोड़ के इनके जो लीव्स हैं वो स्टोर कर लेती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ और यहाँ से मैंने ली थी शक्कर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं शुगर यूज़ नहीं करूँ तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शक्कर थी ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने वो ले ली और गो होम एंड द तक गाइस जी गाइस तो हम घर आ गए हैं और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हैं कावे के लिए और यहाँ पे फिर मैंने रखा हुआ है मिंट अदरक अजवाइन और दालचीनी और ग्रीन इलाइची तो ये सारा कुछ कावे में डलता है बेसिकली ये कावा है जब किसी को लाइक गले में पेन हो रही हो या फ्लू के सिम्टम्स हों या आपको फ़ील हो रहा हो कि आपको खांसी लगने वाली है तो उसके लिए ये बेस्ट है uh, मैं पर्सनली ख़ुद बिलीव नहीं करती थी इस पर uh, मुझे बताया जब uh, इस गाव्य के बारे में तो मैंने इतना ज़्यादा इस पर ग़ौर नहीं किया लेकिन जब हमने ख़ुद ट्राई किया इसको तो मैंने फील किया कि ये वाकई ही uh, बहुत अच्छा है अफेक्टिव है आप लोग लोग भी गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिन लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम हो गई है वो लोग भी ज़रूर ट्राई करें इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी फैमिली में मेरे भाई को और मेरी नीस को हो गया था और उनको ये कावा दिया था उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था गले में पेन नहीं होती इससे काफ़ी सुकून मिलता है तो यहाँ पर मैंने डाला टू टेबल स्पून शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल सकते हैं तो गाय ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मैं आजमाया हुआ है मेरा और मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको तो आई एम श्योर कि आपको इससे फ़ायदा होगा तो मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दी हैं और काफ़ी बॉयल हो चुका है अब इसको मैंने कोई दस पंद्रह मिनट के लिए ढक के रख दिया है और इसको ढक के रखे हुए मुझे हो गए दस पंद्रह मिनट गाइस अब इसको मैं कप में डालूंगी और शाम को दे दूंगी आप लोग भी गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत आसान है बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें और माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है तो so गाइज आज की मेरी आ, ये ब्लॉग इतना ही था आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज फॉर वॉचिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज हिफ्जों अमान में रखें सेफ रहें अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली का ख्याल रखें आज के लिए इतना ही गायज़ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़